हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आप लोगों को ऑर्काइटिस के बारे में बताएंगे। तो ऑर्काइटिस का मीन्स क्या होता है वो पहले आप जान जाइए। ऑर्काइटिस का मीन्स हुआ आपके टेस्टिस में स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन एंड पेन। और ऑर्काइटिस होता किस माध्यम के वो भी आप जान जाए। तो इसमें बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। और ऑर्काइटिस का होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को हम बताएंगे, जो बहुत ही बेटर वर्क करती है ऑर्काइटिस में। तो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन जो है, अगर ठंड से प्रभावित होकर के ठंडी चीज़ खान पान से अगर ऑर्काइटिस का टेस्टिस में हल्का स्वेलिंग पेन अगर हुआ है, तो बस एकोनाइट सुबह दोपहर शाम तीन बार लें, बहुत ही बेटर काम करेगी। उसके बाद दोस्तों एक मेडिसिन आता है आर्निका माउंट, ये भी 30 पावर का है। ये मेडिसिन बहुत बढ़िया वर्क करती है ऑर्काइटिस में। ये ऑर्काइटिस में तब वर्क करती है जब आपको कहीं चोट, वहाँ पर ही टेस्टिस में चोट लग गया है, आप खेल रहे हैं चोट लग गया, उसके बाद से आपको स्वेलिंग हो जाए, पेन करे, तो इसमें आर्निका माउंट जो मेडिसिन है बहुत ही बेटर काम करते हैं। सुबह दोपहर सुम शाम चार चार बूंद, अगर छोटा है तो दो दो बूंद। और तीसरी दवा है दोस्तों, ये दवा है बेलाडोना 30। तो ये बेलाडोना 30 जो है ऑर्काइटिस में बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। और ऑर्काइटिस का मेनली समझे कि दवा यही है बेलाडोना, ये बहुत बेटर काम करती है माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसे भी आप चार बूंद सुबह, चार बूंद दोपहर, चार बूंद शाम ऑर्काइटिस में खाएं। और उसके बाद आता है एक फोर्थ मेडिसिन कोनियम मैक। तो कोनियम मैक भी दोस्तों ऑर्काइटिस में बहुत ही बेटर काम करते हैं। अगर सारा दवाई खाते हैं और कुछ काम वैसा नहीं कर रहा है, कुछ अंदर का प्रॉब्लम है, तो उसमें कोनियम मैक बहुत ही बेटर काम करती है। कोनियम मैक जो है, अगर इंटरनल आपको घाव है तो उसमें कोनियम मैक दवा जो है बहुत ही बेटर मेडिसिन है। तो इन सारी दवाइयों को आप सिम्टम मिले तब भी दवा को यूज करें। और ऑर्काइटिस में बहुत ही बेटर काम करती है एक्यूट हो। अगर क्रोनिक हो जाने के बाद थोड़ी बहुत फिजिशियन सलाह ले लें तब दवाई कुछ खाएं, कुछ इसके साथ और दिया जाता है। अगर एक्यूट केस में ऑर्काइटिस है तो बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद दवा जाता है रोडेंड्रोन। रोडेंड्रोन दवा भी ऑर्काइटिस में बहुत ही बेटर काम करती है। अगर आपको राइट साइड टेस्टिस में ज़्यादा स्वेलिंग है, तो ज़्यादा पेन है, तो उसमें रोडेंड्रोन जो है बहुत बेटर काम करती है। तो ये पांच दवा का नाम बता दिए। ऐसे ऑर्काइटिस का बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे पल्सेटिला है, थूजा है, अस्पोंजिया है, तो बहुत सारे मेडिसिन है, बुक में देखिएगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्काइटिस का सबसे बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट, बेलाडोना, आर्निका, कोनियम मैक, रोडेंड्रोन। ये बहुत दवा जो है कार्य काम करती है एक्यूट केस में। अगर आपका ऑर्काइटिस क्रोनिक हो गया है तो उसे आप नज़दीक के फिजिशियन से जाकर के संपर्क कर लें और उसके बाद दवा को लें। नहीं तो एक्यूट केस में है तो जो सिम्टम मिलता है वो दवा अगर खाएं तो बहुत ही बेटर काम करती है। मेरा एक चीज़ और कहना है आप लोगों से, अगर होम्योपैथिक दवा खाएं तो अंग्रेजी दवा के साथ सेवन ना करें। 3 घंटा के अंतराल पर ही करें, 2 घंटा 3 घंटा के अंतराल पर ही दवा दूसरे खाएं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।